हाँ जी बोलिए। इमाम हसन हुसैन किसी के ख्वाब में आए और सब मजमा उनसे मुसाफा करने लगा निजामुद्दीन में, और किसी ने आके उनसे कहा कि मियाँ जी अजमत साहब का इंतकाल हो गया है, और तो उन्होंने दूसरे साहब ने कहा बोला हजरत अपनी नमाज पढ़ाई है जनाजे का, बोले नहीं, बोले मौलाना साहब की करे, बोले वो अमीर हैं वो ही नमाज पढ़ाएंगे। और ये आप सुन रही निजामुद्दीन के आप किसी अकाबरीन ने देखा है, किसी अकाबीर ने देखा है? हाँ मियाँ जी वो असल में क्लियर नहीं हुआ, इसी वजह से लोगों के अंदर कई और आदमी ने हमको थोड़ा पूछा, और हमने कहा कि क्लियर बोलना क्लियर मुश्किल है। और ये दूसरी बात, ये थोड़ी देर के अंदर खबर आ गई कि मियाँ जी अजमत का इंतकाल हो गया है। वहीं के वहीं वहीं के वहीं ख्वाब देखा, मियाँ जी वहीं के वहीं। अजमतुल्ला साहब से जो आखिर मरतबा मुलाकात किया पिछले, जो हम इसमें कुल हिंद के मशवरे में गए थे ना, मुल्क के मशवरे में, उसमें वो कह रहे थे हमको मुल्कों का सफर करो, अल्लाह के रास्ते में सफर करो, फिरते रहो फिरते रहो, हर हाल में सफर करो, हर हाल में, मौत तक चलते रहे बेचारे, 50 4 महीने लगा है, 50 50 चार महीना लगाए पैदल भी, बकौल हमारे मौलाना क्या नाम उनका, मऊ वाले जो मौलाना है, मौनत के जो मौलाना है ना, मौलाना जमशेद साहब, खुद बताया था हमको चलो अगर 300 रुपए की 73 बैग देखकर पहला 73 साल निजामुद्दीन में रहे ना, राज। ये माणा साहब सब ने कहा। हाँ मौना साहब सामने अच्छा, और इस्तकामत सीखना है तो बोले मियाँ जी अजमत से सीखे कोई, इस्तकामत। बोले जवानी में आए कि बुढ़ापे में अल्लाह के रास्ते में निकलते निकलते चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। सही मानो यही आदमी सब अच्छा, लोगों ने बहुत सारे लोगों का नाम लेते हैं लेकिन मियाँ जी का नाम नहीं लेते हैं, कि ये आदमी जो है इतना दिन से एक मुखलिस बंदा पड़ा रहा, और कहते थे पुराने 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 सब छोड़ के चले गए। अरे भाई इतना पुराने समझ में नहीं आ रहा, 73 साल का पुराना वो तो शायद ही कोई होगा, चले गया निजामुद्दीन में बेफिक्र आ गया। 73 साल का पुराना तो शायद ही कोई होगा। अरे मौलाना इब्राहिम साहब तो आखिर साल में आए थे मियाँ ये इनका, मौलाना यूसुफ साहब का, और ये तो मौलाना यूसुफ साहब को शायद बचपन से देख रहे हैं। 1950 में आए थे, पहला हाँ 1950 में आया, बताइए निजामुद्दीन। अल्लाह अकबर। 300 रुपए की भैंस बेचकर पैदल 4 महीना लगाया था, अच्छा 300 रुपए की भैंस बेची थी अपने अपने घर की भैंस, अच्छा वो माशाल्लाह भैंस बेच कर ही ना अल्लाह के रास्ते में निकले थे, 300 300 के 300 वापस लेके आ गए थे। अल्लाह। वो फरमाते जब थे जब वो हर कि साल 4 महीना लगाते थे, हर साल 4 महीना, हर साल पैदल 4 महीना। बोलते थे, एक बार बताया था उन्होंने कि भाई हम तो वापस आते थे, और मौलवी यूसुफ साहब फरमाते थे आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो ये जमात है इसको ले जाना है, और हर सफर हमारा 4 महीना, हर सफर हमारा पैदल होता है हुआ करता था, एक सफर से वापस आते थे दूसरे सफर के लिए भेज दिया करते थे। अल्लाह क्या बात, ये है ऐसे लोग उम्मत की जाएंगे ना जन्नत पेशवा, में। जन्नत में तो बहुत कम अमल में भी चले जाएंगे, लेकिन असल ये है उम्मत की पेशवा, बात असल जन्नत जाने का नहीं हजरत, उम्मत की पेशवा की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर अल्लाह फैसला करते हैं। निजामुद्दीन मरकज से एक आदमी चला गया जो फैसला करवाया करता था अल्लाह से, ये बहुत बड़े बुजुर्ग ने हमें कहा, एक आदमी ऐसा चला गया जो अल्लाह से फैसला करवा दिया करता था, और मौलाना साद के एक बहुत बड़ा दुआ का आदमी चला गया, हया हमेशा हमने उनको देखा, कई मरतबा सफर में मैंने देखा उनको, हयातुस सहाबा का खूब मुताला करते थे, मैंने खुद देखा बंगाल ईमान पे में कई बहुत मरतबा जबरदस्त आए बात थे, करते कारी थे ना मौलाना यूसुफ साहब की बात, ईमानियत के ऊपर इतना ज्यादा बात करते थे। हाँ मानियात पे तो मौलाना यूसुफ साहब की पूरी कैसेट बजा देते थे। लेकिन बयान करने के बाद घर वापस मतलब जहाँ रूम में वापस गए तो मैंने देखा कई मरतबा फॉलो किया हयातुस सहाबा का मुताला करते थे, ये सब थे माशाल्लाह। इन अल्लाह हजरात देखो के किसे ऊपर अल्लाह की मुंतकिल फैसला करता है। आया करता था।